में तीन चार स्मार्ट वॉच ब्रांड सबसे तगड़ा काम कर रहे हैं, सभी को कवर करते हैं इस वाले चैनल पे। लेकिन आज जो आपको वॉच दिखाने वाला हूँ ये है बीट एक्सपी वेगा न्यू। अब इस वाले वॉच में स्पेशल क्या है वो है इसके प्राइसिंग 1800 रुपए, और 1800 रुपए में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। अब मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ और इतना सस्ता स्मार्ट वॉच मैंने देखा ही नहीं जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन बीट एक्सपी के इस वाले वॉच ने मुझे सच में इंप्रेस कर दिया। खोल लिया जाए दोस्तों, ये है इनका इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर और दूसरा वाला है आइस सिल्वर, और बॉक्स पे एमोलेड डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और ब्लूटूथ कॉलिंग मेंशन की गई है। बीट एक्सपी के प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको जिसके अंदर बीट एक्सपी के स्टिकर्स भी है। ये रहा अपना वॉच और एक चार्जर मिल जाएगा आपको पोको पिन वाला, और एक बार ब्लैक वाला भी देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग कर लिया हम लोग ने, देखो भाई, ओ नाइस। 2.5D कर्व ग्लास का यूज किया गया यहाँ पे। बॉडी प्लास्टिक की है लेकिन लुक एंड फील मेटालिक है, बट बटन मेटालिक है दोस्तों। तो ऑन कर लेते हैं एक बार, क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। और ये कनेक्ट बीट एक्सपी ट्रैक से होता है, मोस्टली बीट एक्सपी के सारे वॉचेस इसी से कॉम्पैटिबल होते हैं। ऐड डिवाइस, अपनी दोनों वॉचेस यहाँ पे आ रही हैं। अब देखते हैं कौन कनेक्ट होगा, पहले कंफर्म करना पड़ेगा डिवाइस पे। ओके, व्हाइट पे आया है, कनेक्ट हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। डिजाइन के बारे में बात करते हैं इसके, 1800 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा डिजाइन है। मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं दोनों ही वॉच, और सिलिकॉन बेस्ड स्ट्रैप है। लॉकिंग वाला जो बकल मेटल का बना हुआ है, ये एमोलेड डिस्प्ले है, और इस प्राइस पॉइंट पे एमोलेड डिस्प्ले देना बड़ा मुश्किल है यार। और इसको एक बार डबल चेक करते हैं, आईफोन के मैक्रो मोड से मैं देख रहा हूँ, एमोलेड डिस्प्ले में जो ब्लैक पार्ट होता है वहाँ पे कोई भी पिक्सल्स नहीं दिखते हैं, जितने भी कलर वाले पार्ट है उस पे आपको पिक्सल दिखेंगे। यहाँ पे येलो का पिक्सल दिख रहा है, व्हाइट का पिक्सल दिख रहा है, रेड का पिक्सल दिख रहा है। डेफिनेटली ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और अच्छी क्वालिटी का भी है। और डिस्प्ले की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग आउटडोर में आ चुके हैं दोस्तों, न्यू लोकेशन है आज हमारा। अब ये लीस्ट ब्राइटनेस पे इसको फुल कर लेता हूँ, पूरी डिस्प्ले प्रॉपर दिख रही है और इसको मैं अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। 60Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को स्मूथ बनाता है यूज करने के लिए। वैसे वॉच डिजाइन वाइज भी काफी अच्छी लगती है देखने में, प्रीमियम लुक तो इसमें डेफिनेटली है, और वॉच की ब्राइटनेस इतनी अच्छी है, ब्लैक डिस्प्ले भी पूरा अच्छे तरीके से दिखता है। और ये एक 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, डेफिनेटली बड़ी डिस्प्ले, और इसका बेजल भी काफी कम है और रिस्ट पे अच्छी लगती है देखने में। इसके अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस है जिसकी वजह से आप इसको प्रॉपर यूज कर पाते हो, और सेटिंग से आके आप इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर सकते हो 5-10-15 मिनट के लिए। सिंस ये कॉलिंग वॉच है, जब भी आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगा तो मेरे वॉच पे भी डायरेक्टली कॉल आ रहा है, और इसके लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं किया है। इसके अंदर सिंगल कनेक्ट वाला कॉलिंग है, मतलब मोबाइल के ब्लूटूथ में बीट एक्सपी वेगा न्यू इसी को कनेक्ट करना है, और वॉच के अंदर से कॉल लगाना है। मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल मेन्यू, इसमें कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लो। ये बीट एक्सपी की एप्लीकेशन है, डिवाइस में आना है आपको और फोन बुक में आ जाओ। अभी मैंने विश्वजीत को ऐड कर लिया यहाँ पे, आज विश्वजीत नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है, उसको कॉल करके पूछते हैं तबीयत कैसी है उसकी, और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ वेगा पे। जब भी आप कॉल बात करो कुछ ऐसा सिंपल सा यूआई आएगा, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो। आवाज आ रही है अभी? हाँ बढ़िया आ रही है, तुम्हारी आवाज बढ़िया आ रही है। वैसे अभी स्पीकर इसका फुल पे, वॉच से बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से कैसे आवाज आ रही है भाई? अभी भी अच्छी आ रही है, नॉर्मल। इसका स्पीकर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और वॉच है माइक्रोफोन दो एक राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड। भाई तो कितना रेटिंग दिया जाए इसको कॉलिंग को, वॉच की कॉलिंग है? 8 out of 10। 8 out of 10 ओके, और वॉच की प्राइसिंग 1800 रुपए के? फिर तो 9 out of 10 बहुत अच्छी है। ओके मैं काटूंगा रुचा, उसने काट दिया दोस्तों। कॉलिंग एक्सपीरियंस तो काफी सही है, अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ऊपर से स्क्रॉल करूंगा, देखो एक ट्रांसपेरेंट सा स्क्रीन आएगा, उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है, और ये इसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप टैप करके इसको ऑल द टाइम ऑन रख सकते हो। इंडोर में फुल ब्राइटनेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वॉच के अंदर एक सिंगल बटन सिस्टम है जिससे आप मेन्यू में जाओगे और नीचे से स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप राइट स्वाइप करोगे यहाँ से आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपना मेन्यू, क्या आपको ऐड करना है और क्या आपको हटाना है। जैसे कि इसके अंदर स्लिप ट्रैकिंग भी ऐड कर दो, म्यूजिक भी ऐड कर दो, वेदर भी ऐड कर दो, एक्टिविटीज हटा देते हैं, SPO2 हटा देते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट आ रहा है, उसके बाद फिर स्ट्रेस लेवल आ रहा है, गाना वाना भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट किया मैंने, फिर नेक्स्ट, पॉज, प्ले, और यहाँ से वॉल्यूम भी कंट्रोल हो रहा है, काफी तगड़ा काम कर रहा है एकदम क्विकली। और मेन्यू के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज मिल जाएगा इसके अंदर, अलार्म है, म्यूजिक है, वेदर है, कैमरा है, और स्टॉप वॉच है, टाइमर है, वर्ल्ड क्लॉक भी इसके अंदर है, और इसके अंदर स्टॉक मार्केट भी है। अगर आपने कहीं पैसा वैसे लगाया हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट वाला फीचर मिल जाएगा, यहाँ से आप आओ। चलो भाई टाटा के स्टॉक देखते हैं, टाटा मोटर्स एड, और अब वॉच के अंदर यहाँ से भी दिख रहा है सब चीज, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो बार बार। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि एक्चुअल में सही काम कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं कंट्रोल पैनल ऊपर से लेके आता हूँ तो इसका आप देखो तो बेजल काफी ज्यादा कम है इसके अंदर, और एमोलेड डिस्प्ले के साथ इसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है। और अगर आप प्रेशन होल्ड करोगे तो यहाँ से आपको खूब सारा वॉच फेस मिल जाएगा, इसके अंदर इनबिल्ट वॉच फेसेस काफी सारे हैं। एक ये वाला लगा के दिखाता हूँ, वो ये लाइव वॉलपेपर है, और एक्स्ट्रा वॉच फेस गैलरी से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे ऑप्शन है, कस्टम फेस का भी ऑप्शन है, मतलब की अपनी फोटो एक बार लगा लेते हैं, रुको सेट करते हैं और उसको सेव कर देता हूँ। अब कस्टम वॉच फेस अप्लाई होने लग चुका है, इमेज तो लग चुकी है, काफी अच्छा भी लग रहा है, और एक बार इसके ऊपर हेल्थ ट्रैकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग अपने क्लाइम पे नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने टेबल पे। देखो हार्ट रेट मैंने ऑन कर दिया, इसने फॉरन पहचान लिया। ओके, इसके डिब्बे पे करते हैं एक बार,
फिर से पहचान लिया, काफी इंप्रेसिव काम कर रहा है यार ये। अपने तकिया पे करते हैं दोस्तों ये वाला टेस्ट, देखते हैं। अरे भाई साहब तकिया पे पहचान जा रहा है। और अब करते हैं अपने कलाइयों पे हार्ट रेट चेक भाई। ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं दोस्तों। अपने ऑक्सीमीटर पे 71 आ रहा है और वॉच पे 73-75। अभी मैं लगातार बोल रहा हूँ, देखो इसका हार्ट रेट और ऊपर तरफ जा रहा है, इसका मतलब काफी एक्यूरेट है और एक्चुअल में लाइफ ट्रैक भी बहुत अच्छा करता है। फिर चुप हो जाता हूँ। वॉच डेफिनेटली काफी एक्यूरेट है, 83 आ रहा है वॉच के ऊपर, 82 आ रहा है और ऑक्सीमीटर पे 81-77 के राउंड आ रहा है। बहुत सिंपल शब्दों में बीट एक्सपी ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया इस वाले वॉच के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर कंप्लीट भरोसा करो, मेडिकल इमरजेंसी में आप मेडिकल इक्विपमेंट या फिर डॉक्टर सलाह लीजिए। जितने भी लोग डेली अपने हेल्थ ट्रैक करना चाहते हो ये थोड़ा बहुत डेटा आपको दे देगा, जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि हाँ भाई आप स्वस्थ हो या दिक्कत चल रही है थोड़ी बहुत। और अगर बैटरी के बारे में बात किया जाए तो बीट एक्सपी ऐसा बोलता है कि 7 डेज की बैटरी लाइफ मिलेगी आपको। और अगर आपको कॉलिंग ऑफ रखनी वॉच की तो सिंपली एप्लीकेशन को खोलो और डिवाइस के अंदर यहाँ मिलेगा आपको इनकमिंग कॉल, इसको कर दो ऑफ, तो इससे भी काफी सारी बैटरी भी बच जाएगी, जिससे आपको बैटरी एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा वॉच का, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले जो कि ऑलरेडी बैटरी एफिशिएंट होती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी वॉच लगी मुझे 1800 रुपए के हिसाब से, जो सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको लिटरली 3000 के वॉच में मिलता है। और अगर ये ऑफर प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है 2000-2500-2500 हो जाती है, उस प्राइस में भी बहुत ही अच्छी वॉच है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग और फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, वहां पे क्लिक करके खरीदो भाई, हमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और इस वीडियो को लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना।